कौनसी एंट्रेंस एग्जाम नहीं तो समस्त अप्लाई करंतु केवल अष्टम रु दशम भितर आपण जदि अछंदी तो आपण अप्लाई करि परिबे अंडर मैट्रिक पोस्ट मागिछि जदि कोन पिला अष्टम मध्ये पास करिछि अप्लाई करि परिबे हेलो फ्रेंड्स पुणि एक जॉब इनफॉर्मेटिव वीडियो सहित इजी जॉब जोन यूट्यूब चैनल रे आपन मान स्वागत देखंतु आपन मान पे आसी अछि 11 प्रकार पोस्ट रही छि तो वीडियो टी को स्टार्ट करिया पूर्व रु रिक्वेस्ट करबी जो माने चैनल रे नुवा अछंती चैनल को सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु शेयर करंतु चलो देखिया कोन रही छि पोस्ट डिटेल्स डिटेल्स ऑफ पोस्ट एंड वैकेंसीज डिटेल्स आपन को 11 टी पोस्ट रही छि टोटल आपन को 11 प्रकार पोस्ट रही छि प्रथम देखिए स्टोर कीपर कम अकाउंटेंट जो थे रही गोटे वैकेंसी रही सैलरी रेमुनरेशन आपण आसो 18536 पर मंथ प्रति मस 18536 आप स्टोर कीपर कम अकाउंटेंट जार एज लिमिट रही 21-45 वर्ष देखु सब पोस्ट आपंकर सेम एज लिमिट रही 21-45 वर्ष आपण मान एज जब 21-45 वर्ष मध्य अच्छी आप अप्लाई करें पोस्ट पर अप्लाई करि परिबे तो आगे देखिबा कोन कोन क्वालिफिकेशन रही प्रथम पोस्ट डिटेल्स वैकेंसी डिटेल देखी नमा तो सेकेंड रे आसीबो पारामेडिकल स्टाफ जार वैकेंसी गोटे पोस्ट रही यार सैलरी आसीबो आपनकर 11916 पर मंथ थर्ड रे आसीबो एजुकेटर नंबर ऑफ वैकेंसी रही गोटे सैलरी आसीबो 10000 पर मंथ नेक्स्ट आसो आर्ट एंड क्राफ्ट म्यूजिक टीचर जो मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट म्यूजिक टीचर अप्लाई करा चाहते वैकेंसी अच्छी गोटे पोस्ट एवं सैलरी 10000 पर मंथ से पीटी इंस्ट्रक्टर कम योग टीचर ता रही गोटे पोस्ट तार सैलरी रही 10000 पर मंथ नंबर सिक्स आसला आपण मान कुक रोसे पोस्ट जार वैकेंसी रही गोटे एवं सैलरी अच्छी आपण 9930 टका पर मंथ से आपणकर आसीबो हेल्पर कम नाइट वाचमैन तार वैकेंसी रही दीटी पर मंथ सैलरी आसीबो 7944 टका से आठ नंबर आपणकर आसीबो हाउस कीपर जार वैकेंसी रही गोटे सैलरी आसीबो 7944 नेक्स्ट आसीबा सोशल वर्कर पाई मध्ये रही गोटे पोस्ट सैलरी आसो आप 18536 पर मंथ नंबर 10 रे आपणकर केयर गिवर कम ब्रिज कोर्स एजुकेटर केयर गिवर कम ब्रिज कोर्स एजुकेटर रही जार वैकेंसी रही गोटे सैलरी आसो 11916 पर मंथ से आपण मानकर लास्ट बा 11 नंबर आसो आउटरीच वर्कर जार वैकेंसी रही गोटे एवं सैलरी मध्य आसो तार 10592 टोटाल आपणकर आसला 11 टी पोस्ट जो थे आपणकर पोस्ट वाइज अलग अलग रेमुनरेशन रही जार एज लिमिट समस्त पोस्ट सामान रही 21-45 नेक्स्ट देखा क्वालिफिकेशन कौन रही जो रही 11 टी पोस्ट तो आपण मानकर 8 पोस्ट आस्था चिल्ड्रेन होम रही तीन टी पोस्ट ओपन सेल्टर पर फास्ट आसो स्टोर कीपर कम अकाउंटेंट रही जोटा कि वैकेंसी रही टोटल गोटे वैकेंसी रही रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन रही आपण मानकर पोस्ट ग्रेजुएट प्रिफरेबली इन कॉमर्स एंड एमबीए फाइनेंस यदि आपण पीजी करचंती कॉमर्स रे किंबा एमबीए फाइनेंस रे आपणकर एमबीए अच्छी तो आपण अप्लाई करि परिबे सेकंड रे आसीबो पारामेडिकल स्टाफ पारामेडिकल स्टाफ पाई आपणकर कंपाउंडर फार्मासिस्ट डिप्लोमा इन आयुर्वेद होमियोपैथी यूनानी फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपण जदि कंपाउंडर फार्मासिस्ट डिप्लोमा इन आयुर्वेद होमियोपैथी किंबा यूनानी फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड बा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हेथिबा कोनोसी इंस्टीट्यूशन रु करिथिबे आपण कंपाउंडर फार्मासिस्ट डिप्लोमा इन आयुर्वेद किंबा होमियोपैथी बा यूनानी करथिबे तो आपण अप्लाई करि परिबे पारामेडिकल स्टाफ पई नेक्स्ट आसीबो एजुकेटर एजुकेटर पई आपण मानकू बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन
प्रिफरेबल एक्सपीरियंस इन टीचिंग लाइन जदि आपण बैचलर डिग्री अच्छी आप जो भी स्ट्रीम करेंगे एनी डिसीप्लीन करेंगे आर्ट्स साइंस कमर्स कि आप बैचलर डिग्री करें एक्सपीरियंस जदि अच्छी आपंकर टीचिंग लाइन रे किसी एक्सपीरियंस अच्छी तो आपड़ अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आसो आर्ट एंड क्राफ्ट म्यूजिक टीचर बैचलर और डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट जदि आप आर्ट एंड क्राफ्ट रे बैचलर डिग्री हासिल करते तो आप आर्ट एंड क्राफ्ट म्यूजिक टीचर पर अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट पीटी इंस्ट्रक्टर कम योगा टीचर जदि आप बैचलर और डिप्लोमा इन योगा ट्रेनिंग बा पीटी टीचर जदि आप बैचलर और डिप्लोमा कोर्स करते योगा ट्रेनिंग आउ पीटी टीचर पर तो आप अप्लाई करेंगे। नंबर सिक्स आपणकर कुक बा रोसे पोस्ट रही जहाँपाई पोस्ट रही केवल अष्टम रु दशम भितर आपड़ी अच्छा तो आप अप्लाई करेंगे। अंडर मैट्रिक पोस्ट मागिच जदि कौन पिला अष्टम पास करेंगे। सेपर हेल्पर कम नाइट वाचमैन जार दुईटी वैकेंसी रही सेम क्वालिफिकेशन मागिची अंडर मैट्रिक अष्टम रु दशम आप अष्टम पास करते अप्लाई करेंगे दशम पास करते अप्लाई करेंगे। हाउस कीपर पर रही आपर अंडर मैट्रिक कुक हेल्पर कम नाइट वाचमैन एंड हाउस कीपर पर रही अंडर मैट्रिक पोस्ट आप अष्टम पास करते केवल अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आसला ओपन सेल्टर ओपन सेल्टर में आपनि पोस्ट रही जो थे देखा आम सोशल वर्कर पर क्वालिफिकेशन कौन रही देखिले प्रिफरेबल मास्टर इन सोशल वर्क सोशियोलॉजी साइकोलॉजी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एमबीए एंथ्रोपोलॉजी और मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन एंड फैमिलियर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जदि आप मास्टर डिग्री करते सोशल वर्क रे सोशियोलॉजी रे किंबा साइकोलॉजी रे बा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किंबा एमबीए करते एंथ्रोपोलॉजी रे करते आप अप्लाई करेंगे। केयर गिवर कम ब्रिज कोर्स एजुकेटर जदि आप केवल ग्राजुएट करते कौन सी भी स्ट्रीम कौन सी भी डिसिप्लिन आपड़ी ग्राजुएट करते केयर गिवर कम ब्रिज कोर्स एजुकेटर रे आपन अप्लाई करेंगे। आउटरीच वर्कर पर आप केवल ट्वेल्थ पास बा प्लस टू पास मागिजी आपन जदि प्लस टू पास करते आउटरीच वर्कर रे अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट आम देखा एज लिमिट कौन रही द कैंडिडेट्स मस्ट नॉट बी बिलो 21 इयर्स ऑफ एज एंड नॉट अबव 45 इयर्स ऑफ एज आज ऑन 1 January 2023 एंड देयर शाल बी नो अपर एज रिलैक्सेशन जानुरी 1 2023 सुधा आपको जदि 21 वर्ष हो जाए 41 वर्ष मध्य आपर बयस हो आप्लाय करेंगे। कौन सी एज रिलैक्सेशन ना एससी एसटी रिजर्वेशन जो अन्य पोस्ट गुड़ाक जमी रिजर्वेशन आसे रिलैक्सेशन आसे सेमती रिलैक्सेशन किसी ना तो जो मैंने केवल 41 वर्ष मध्य अच्छा केवल से मैंने ही अप्लाई करेंगे। डेट ऑफ बर्थ एंटर्ड इन द हाई स्कूल सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द स्कूल बोर्ड काउंसिल विल बी एक्सेप्टेड बाय द सिलेक्शन कमिटी आपर जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट बा मैट्रिक बा जार अष्टम पास रही किंबा जे जार क्वालिफिकेशन रही क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जहाँ रही डेट ऑफ बर्थ रही से डेट ऑफ बर्थ को काउंट कर एज लिमिट क्वालिफिकेशन डिटेल गला एज लिमिट गला ता सहित आउ अलग कौन एलिजिबिलिटी कंडीशन रही देखु द कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया जे जे भारतीय नागरिक होता दरकार जे अप्लाई करते से जे इंडियन होता दरकार ही और सी मस्ट बी गुड कैरेक्टर एंड साउंड हेल्थ एंड फ्री फ्रॉम एनी ऑर्गेनिक डिफेक्ट एंड फिजिकल इनफर्मिटी से फिजिकली फिट होता दरकार गुड कैरेक्टर होता दरकार ही और सी मस्ट बी एबल टू स्पीक रीड एंड राइट ओडिया फ्लुएंटली एंड मस्ट हैव पास्ड एन एग्जामिनेशन इन ओडिया लांगुएज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ माय मिडिल स्कूल स्टैंडर्ड जदि आप मिडिल स्कूल एग्जाम पास करते कौन सी भी क्वालिफिकेशन आपणकर ओडिया सब्जेक्ट रे अच्छी फ्रिक्वेंटली आप ओडिया कही पारे लिखि पारे पढ़ी पारे ही और सी मस्ट नॉट मोर दैन वन स्पाउस लिविंग जदि मैरिड अच्छा ताले आपनो गोटे रु अधिक स्पाउस सहित लिविंग करन थिबे तो जदि अनमैरिड अछंदी किछ प्रॉब्लम नै ताको पई जो माने मैरिड अछंदी समान कर स्पाउस केवल गोटे ही थिबो। देखंतु सिलेक्शन प्रोसीजर
কিভাবে ভাবে সিলেকশন হব আপনার দেখুন দ্য রিকোয়ারমেন্ট শাল বি অন দ্য বেসিস অফ কেরিয়ার মার্কিং আজ পর ওয়েটেজ আসাইন্ড বিলো অর দ্য সিলেকশন কমিটি ডিসাইডস আজ থিঙ্ক ফিট অ্যান্ড প্রপর যদি আপনার কেরিয়ার মার্কিং হিসাবে আপনার যে ওয়েটেজ রয়েছে কোয়ালিফিকেশন রয়েছে তো সেই ওয়েটেজ হিসাবে আপনার সিলেকশন হব এবং সিলেকশন কমিটির থিঙ্ক উপরে আপনার ডিপেন্ড করছি তাঁর থিঙ্কিং রয়েছে বা তাঁর সিলেকশন ক্রাইটেরিয়া রয়েছে সে মানে ক্রাইটেরিয়া অনুসারে আপনার ফিট বা প্রপর যদি কাউন্টিং কলে তো আপনার সিলেকশন হয়ে যাবে কোণী এন্ট্রান্স এক্সাম না তো সমস্তে আপ্লাই করতু ওয়াটেজ অফ মার্ক রয়েছে যেটা আপনার ক্যারিয়ার মার্কিং আপনার সিলেকশন রহব তো সেপাই ওয়াটেজ অফ মার্ক রয়েছে আপনার সেকেন্ডারি রয়েছে 10 মার্ক হায়ার সেকেন্ডারি রয়েছে 15 মার্ক গ্রাজুয়েসন করলে আপনার গ্রাজুয়েসন রয়েছে 25 রয়েছে টোটাল পোস্ট গ্রাজুয়েসন রয়েছে 30 মার্কস এনি অদর প্রফেসনাল কোর্স বা ট্রেনিং রিলেটেড টু চাইল্ড রাইট অ্যান্ড ইটস প্রোটেকশন অর এমফিল পিএইচডি ইটিসি যদি করে আপনার তো সেইপাই রয়েছে আপনার 10 মার্ক টোটাল এক্সপিরিয়েন্স রিলেটেড টু সিআইসিএল যদি আপনার এক্সপিরিয়েন্স কিছু অছি তো আপনার সেই এক্সপিরিয়েন্স কাউন্টিং হব 10 মার্কর ওয়েটেজ রহব মার্ক টোটাল আপনার 100 মার্কর ওয়েটেজ রহব তো আপনার 100 মার্কর ওয়েটেজ আপনার নিজের কোয়ালিফিকেশন ক্যারিয়ার কু নেই আপনার সিলেকশন হবে অ্যাডভার্টাইজমেন্টটি আসিছে আপনার সাউথ ওড়িশা ভলেন্টারি অ্যাকশন আস্থা চিলড্রেন্স হোম অ্যান্ড ওপেন সেল্টার কোরাপুট আপনার সাউথ ওড়িশা ভলেন্টারি অ্যাকশন যেটা কি ওড়িশার কোরাপুট ডিস্ট্রিক্টর আপনার আভেলেবল অছি আস্থা চিলড্রেন্স হোম অ্যান্ড ওপেন সেল্টার আভেলেবল রয়েছে এই পোস্ট গুড়া সমস্ত 11টি পোস্ট অনলাইন আপ্লিকেশনস আর ইনভাইটেড ফ্রম দ প্রসপেক্টিভ ক্যান্ডিডেটস ফর দ ডিফরেন্ট পোস্ট থ্রু দ পারফর্মা আপ্লিকেশন ফর্ম টু বি মেড আভেলেবল অন দ ডিস্ট্রিক্ট ওয়েবসাইট www.korapur.nic.in দ মেল আইডি hr.soba@sobakorapur.org অ্যান্ড সবমিশন শাল বি অ্যাভেলেবল ফ্রম 1st July 2023 টু 15th July 2023 ফর রিকোয়ারমেন্ট টু 11 পোস্ট 1/7/2023 15/7 আপনার রয়েছে ডেট লাইন আপ্লাই করবার তো আপ্লাই কিপর করবে দেখুন যে আপ্লাই করা চাহুচার প্রথমে যে আডভারটাইজমেন্ট আসিছি প্রথমে আডভারটাইজ কু পুরা ভালো ভাবে পড়তু বুঝতু সব ডিটেলস জাণি সারা পরে আপনার আপ্লাই করতু তো আপ্লাই মোড রয়েছে আপনার অনলাইন আপনার যে মেল আইডি দিয়েছি hr.soba@sobakorapur.org আপনার এতে মেল করবার অছি আপনার ডিস্ট্রিক্ট ওয়েবসাইট্রে পাইপারে আর মেল আইডি কিংবা আপনার পিডিএফ রু লিঙ্ক দিয়ে দেছি ডিসক্রিপশনরে সিধাসলক লিঙ্ক্রে ক্লিক করি আপনার ডাউনলোড করে পারে যে কেউ ফর্মারে আপনার আপ্লাই করবে তার ফর্মাট রয়েছে আপনার তাকে ডাউনলোড করতু ফর্ম ফিল আপ করতু এবং যে মেল আইডি দিয়েছি hr.soba@sobakorapur.org রে আপনার আপ্লাই করে পারে ওড়িশার কোণী বি ডিস্ট্রিক্টর পিলা আপ্লাই করে পারে এটি কোণী মেনশন না যে কেবল কোরাপুট ডিস্ট্রিক্টর আপ্লাই করে পারে তো ভিডিওটি সেইপাই আপনার পাখ নিয়ে আসিছি কোণী বি পিলা বা কোণী ডিস্ট্রিক্টর পিলা বি আপ্লাই করে পারে আফটর সবমিশন অফ অনলাইন আপ্লিকেশন দ ক্যান্ডিডেটস আর রিকোয়ার্ড টু সবমিট দ প্রেসক্রাইবড আপ্লিকেশন ফর্ম আলং উইথ অল রিকোয়ার্ড ডকুমেন্ট অ্যান্ড টেস্টিমোনিয়ালস আজ পর পারা 4 অফ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট থ্রো স্পিড পোস্ট রেজিস্টার পোস্ট অনলি আড্রেস টু দ সেক্রেটারি সাউথ ওড়িশা ভলেন্টারি অ্যাকশন বা শোভা রঙ্গবালি কুম্ভার রোড কোরাপুট 764020 লেটেস্ট বাই 5 PM দেখুন অনলাইন আপ্লিকেশন আপনার সবমিশন করা পরে আপনার সেই সেম জিনিস আপনার পারফর্মা ডাউনলোড করবে সেই পারফর্মা যে ফর্ম ফিল আপ করি আপনার মেল করে যা যা ডকুমেন্ট ইনক্লুজন করি তো আপনার সেই ডকুমেন্ট সহিত আপনার যে ফর্ম রয়েছে আপ্লিকেশন ফর্ম কু আটাচ করি রেজিস্টার পোস্ট কিংবা স্পিড পোস্টরে আপনার যে আড্রেস দিয়েছি সেক্রেটারি সাউথ ওড়িশা ভলেন্টারি অ্যাকশন শোভা রঙ্গবালি কুম্ভার রোড কোরাপুট 764020 এই আড্রেসে আপনার স্পিড পোস্ট বা রেজিস্টার পোস্ট করা হব
20/7/2023 5:00 PM सुधा आपण मानकर जो डेट लाइन रही है 15/7/2023 पर्यंत 15/7/2023 पर्यंत आपण मानकर ऑनलाइन रे सबमिशन पे डेट रही ऑनलाइन रे सबमिशन पर आपण मानकु कहा जाय छि जे सही कनसर्न डॉक्यूमेंट एवं एप्लीकेशन फॉर्म आप माने स्पीड पोस्ट बा रजिस्टर पोस्ट माध्यम रे जो एड्रेस दिया है सेक्रेटरी एड्रेस दिया है शोभा रो तो आपण सेठी को स्पीड पोस्ट बा रजिस्टर पोस्ट माध्यम रे सेंड करंतु जारो डेडलाइन रही छि 20/7/2023 5:00 PM पर्यंत जो आप माने जो पोस्ट अप्लाई कर सेपरेट पोस्ट में सेपरेट करंतु एवं जो एनवेलप रखिंट आप एनवेलप रे मध्य मेंशन करंतु को पोस्ट पे आप अप्लाई कर डॉक्यूमेंट कौन कौन रही आप देखते सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ HSC प्लस टू ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन और एनी अदर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट जहाँ भी क्वालिफिकेशन डिटेल्स रही आपर समस्त क्वालिफिकेशन रो सर्टिफिकेट एवं मार्कशीट रो कॉपी दियंतु नेक्स्ट आसीबो वन रिसेट सेल्फ अटेस्टेड कलर फोटोग्राफ शुड बी अफिक्स्ड टू द एप्लीकेशन फॉर्म आपर सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ गोटे रहिबो फॉर्म रे एप्लीकेशन फॉर्म रे आपण मानकर अफिक्स हेथिबो जदि कोनोसी एक्सपीरियंस अछि आपण मानकर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देबे ता सहित जदि एम्प्लॉय अछि या गवर्नमेंट एम्प्लॉय अछि आपण नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देबे जो एम्प्लॉयर अंडर रे काम करछन्दि तापर आसी आपण गोटे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म रहिबो सेल्फ डिक्लेरेशन आपण रहिबो नॉन इन्वॉल्वमेंट इन एनी क्रिमिनल एक्टिविटीज स्पेशली चाइल्ड रिलेटेड ऑफेंसेस यदि आपण मानकर कोनोसी क्रिमिनल एक्टिविटीज नाही बोलिकि आपण गोटे सेल्फ डिक्लेरेशन रहिबो तो एतिकी डॉक्यूमेंट आपण को एनक्लोज करिवार अछि ता सहित निजर आइडेंटिटी प्रूफ मध्ये दियंतु जहाँ जहाँ क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड समस्त डॉक्यूमेंट देबा सहित आईडी प्रूफ दियंतु एड्रेस प्रूफ दियंतु एवं ऑनलाइन रे सबमिशन करिया परे स्पीड पोस्ट बा रजिस्टर पोस्ट माध्यम रे सेंड करंतु 1/7/2023 रु 15/7/2023 आपन ऑनलाइन रे आपन सेंड करिवे मेल रे ता सहित आपन कर जो ऑनलाइन रे सेंड करिया परे आपन मान को हार्ड कॉपी मध्ये सेंड करिवार अछि स्पीड पोस्ट बा रजिस्टर पोस्ट माध्यम रे से तारो डेडलाइन रहछ आपन मान 20/7/2023 तो डिस्क्रिप्शन रे आपण मानको लिंक दे दउची डायरेक्ट क्लिक करके लिंक रे आपण मानको डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट बा जो अप्लाई करिवे तार वेबसाइट को जाई पारिवे एवं PDF रो लिंक मध्ये प्रोवाइड कर दउची आपण जाने सीधा सडक लिंक रे क्लिक करके PDF को डाउनलोड करि पारिवे एवं पढ़ी पारिवे ता सहित एप्लीकेशन फॉर्म जो रही छि तार लिंक मध्ये प्रोवाइड कर देबी सेटा मध्ये आपण डाउनलोड करंतु एवं एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करंतु हम चैनल रे नुआ आसते चैनल को सब्सक्राइब करूँ अन्य सहित शेयर करूँ लाइक करूँ कमेंट करूँ थैंक यू टू ऑल।